पिछले करीब दो हफ्तों से देश के तमाम राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। देश के उत्तरी राज्यों में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। राजधानी दिल्ली में भी यमुना का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। हिमाचल में बाढ़ के चलते कई लोगों की जान चली गई है और 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। वहीं हरियाणा पंजाब की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन इसके इतर देश में ऐसे भी कई राज्य हैं जहां सूखे जैसे हालात है। आखिर इस डिस्टर्बेंस की वजह क्या है, क्यों एक हिस्से में बाढ़ तो एक हिस्से में सूखा पड़ रहा है, सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। दरअसल कई राज्यों में हो रही लगातार तेज बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बारिश का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिला है। हालांकि लगातार हो रही इस बारिश ने मॉनसून की कमी को पूरा कर दिया है। वहीं देश के कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो बारिश के लिए तरस रहे हैं और अब भी मॉनसून का इंतजार कर रहे हैं। तेलंगाना, केरल समेत देश के मिडिल साउथ और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में तय सीमा से कम बारिश हुई है। ये राज्य कमजोर मॉनसून से गुजर रहे हैं जिसका असर फसलों पर भी देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम आगे की बात करें तो मौसम विभाग की माने तो 1 जून से देश भर के तमाम राज्यों में मॉनसून की शुरुआत हुई है। इसमें बताया गया है कि तमिलनाडु छोड़कर सभी दक्षिणी राज्यों में इस सीजन में उम्मीद से कम बारिश दर्ज की गई है। यानी यहाँ पूरी तरह से मानसून नहीं पहुंच रहा है जिससे किसानों पर भी असर पड़ रहा है। वहीं दक्षिण के ही राज्य कर्नाटक की बात करें तो यहाँ भी वही हाल है। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि ज्यादातर बांध कम बारिश के चलते सूखने के कगार पर हैं। वहीं KRS बांध जिससे बेंगलुरु और बाकी जगहों के लिए पानी की सप्लाई होती है वो लगातार सूख रहा है। अधिकारियों की माने तो अगर ऐसे ही हालात बने रहे तो बिजली उत्पादन और पीने के पानी की समस्या हो सकती है। उधर केरल में भी कम बारिश के चलते यही हाल है। केरल के कई हिस्सों में कम बारिश हुई है। अधिकारियों के मुताबिक उत्तर केरल के कुछ हिस्सों को छोड़ दे तो ज्यादातर जगहों पर सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं केरल में बारिश में करीब 9 जिलों में बारिश की भारी कमी हुई है। वहीं दक्षिण के अलावा पूर्वी राज्यों जैसे बिहार, झारखंड और उड़ीसा के भी यही हाल है, जहाँ पिछले साल के मुकाबले काफी कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की कमी दर्ज की गई है। अब पूरे देश में इसी तरह मौसम की वजह से इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होगी हमारी फसलें। नतीजतन टमाटर के दामों से तो आप सभी वाकिफ ही हैं। बहरहाल मौसम में कब संतुलन आता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।